साथ सुनवाई शुरू करती है यहाँ पे पहले गेंद के साथ। काफी खराब गेंदबाजी हुई है। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए एक दिग्गज खिलाड़ी दोनों सलामी बल्लेबाज की अगर बात किया जाए, एक तरफ आजाद और दूसरी तरफ जवान, ये दोनों खिलाड़ी गुणवान खिलाड़ी है। लेकिन देखिए इनको अगर सेटअप लाइन गेंदबाजी अगर आप करेंगे टाइमिंग मिलेगा इन बल्लेबाज के पास लेफ्टी के दिशा में, वो भी फिर आजाद जैसे बल्लेबाज को ये कहां छोड़ने वाला है। अगर मेरे विचार में ये थोड़ा सा ऑफ स्टंप की बाहर गेंद को टप्पा खाने के बाद अगर अंदर या बाहर दोनों तरफ सुई कराएंगे तो शायद आजाद जैसे बल्लेबाज को भी बीट कर सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, फील्ड में परिवर्तन किया है कप्तान ने, निरंकुश के कप्तान ने एक सिली पॉइंट का बना लिया है यहाँ पे आजाद को रोकने के लिए। लेकिन बटक रखने को थोड़ा लाइन और लेंथ को पकड़ना पड़ेगा। अगर आप एक आजाद का और इस बार थोड़ा गति में परिवर्तन किया और चतुराई भरा गेंद का थोड़ा गति में परिवर्तन और अफ्टिक के ऊपर फुलटस्ते और जाल में फंस गया आजाद। नंबर थ्री लगाने के चक्कर में, नंबर थ्री चक्का लगाने के चक्कर में मीडियम के फील्डर के हाथ में पहला झटका लगता हुआ। क्या अब आजाद के बाद इरफान जो कि सबसे खतरनाक बल्लेबाज है दिखे का अब मैदान के ऊपर। देखिए श्रीकांत भाई अभी भी एक विकेट गिरा है और इससे और बड़ी मौका हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी मौका है, नई बल्लेबाज है, जरूर थोड़ा सा समय लेंगे तो ये समय है। दो तीन गेंद अगर डॉट डालेंगे प्रेशर लाएंगे बल्लेबाज के ऊपर, वो जरूर बल्लेबाज कुछ अलग करने के लिए कोशिश करेंगे और जिसके कारण एक और विकेट भी मिल सकता है। और ये लाइन ये लेंथ बहुत ही बढ़िया है, बटर को अगर बचना है तो आप यर्कर का गेंद डालिए दोनों पांव और बल्ले का बीच में अगर सटीक यर्कर डालेंगे ये लीजिए बाहर बाल बचे। बल्ले मारना चाहते थे कहीं और बॉल गई थी और बाल बाल बचे। राजा मौजूद थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, अगर उनके पास आते तो शायद ये मिस करने वाला नहीं। ये क्या हो रहा है, अगर इस प्रकार ऐसे भी निकली टीम काफी दिग्गज टीम है, अगर ये टीम के सामने एक्स्ट्रा रन अगर आप खर्च करेंगे तो इनको रन बनाना क्या जरूरी है। कहते हैं ना गरीबी में आटा गिना और सोने पे सुहागा टॉपे काले को उथला बनो सेंटी में आजी को कोच निकल रहे खिलाड़ी है। लेकिन क्या बात है बल्ला घुमाया और सीधा पहुंचाया दर्शक दीर्घा में गेंद को। इस ओवर का ये तीसरा छक्का वाह भाई वाह लाजवाब बल्लेबाजी। एक के बाद 23 रन यानी कि 3 ओवर का रन इन्होंने एक ही ओवर में बना लिया है। ये खिलाड़ी क्या है भाई, सैल्यूट करना पड़ेगा। ये खिलाड़ी नहीं है उनका क्लब है। जब निकले क्रिकेट टीम सामने होता है ना सबका गिली हो जाता है जनाब, सबका गिली हो जाता है। अब जगन रखेंगे स्ट्राइक, ये खिलाड़ी के ऊपर सबका नजर है। ये निकले का रीड का हाथ है लेकिन 50 रन तो सेमीफाइनल में जड़े थे वो कम देखने के लिए नहीं मिला था, वो शॉट देखने के लिए नहीं मिला था जगन के बल्ले से। वो शॉट चाहिए जगन का, वो शॉट कहां है जो शॉट वो लगाते हैं निकरेई का रीढ़ का हड्डी, जो बोलते हैं निकरेई क्रिकेट टीम का जो रीढ़ का हड्डी है उनका शॉट कहां है जो 360 डिग्री ये पीढ़ी। क्या जगन
सुबह तो हो चुका है, मंगलवार हो चुका है, गेंदबाज के ऊपर व्हाइट बॉल 26 रन बोर्ड के ऊपर ज्यादा ना स्ट्राइक आर्मी ऑफ लिख रही क्रिकेट बिल्कुल